आर्मी में पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट नहीं हो रही है और इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोविड को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स टेन्योर कंप्लीट होने पर रिटायर हो रहे हैं, जिसके कारण इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की भारी कमी हो गई है। पिछले 2 साल में 184 रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट करने का प्लान था, पर 47 रैली ही कंडक्ट हो पाई और इसमें भी बस 4 रैली के ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो पाए, जिसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर रोक लग गई। जिसके बाद 4 रैली रिक्रूटमेंट जरूर हुई, पर किसी का भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाया। स्थिति ये है कि देश के सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, अगर आज भर्ती को मंजूरी मिल भी जाती है तो प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा। वही कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स का मानना है कि ये गवर्नमेंट के पास अच्छा मौका है और आर्म्ड फोर्सेस को इन वैकेंसीज को फिल करने के बजाय 10% से और कम कर देना चाहिए, ताकि हम एक हाई क्वालिटी, हाई टेक एंड हाई स्किल्ड आर्मी डेवलप कर सके। अब जहां एक तरफ डिफेंस एस्पिरेंट्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट काफी जल्द टूर ऑफ ड्यूटी को इंट्रोड्यूस कर सकती है। टूर ऑफ ड्यूटी दरअसल 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल सामने रखा गया था, जिसके तहत यूथ को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप करने का मौका मिल पाएगा, जिसका टेन्योर 3 साल का होगा। बाकी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 100 ऑफिसर्स और 1000 सोल्जर्स को रिक्रूट करने का प्लान था, पर गवर्नमेंट फिलहाल टूर ऑफ ड्यूटी के तहत बस सोल्जर्स को रिक्रूट करने का प्लान कर रही है, जहां पर उन्हें इनिशियली 3 साल के पीरियड के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जिसके बाद 25% पर्सनल्स को रिटायर कर देगी और बाकी के सब पर्सनल्स को 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और 5 साल के बाद दोबारा 25% पर्सनल्स को रिटायर कर दिया जाएगा और बचे हुए 50% पर्सनल्स को आर्मी में फुल टाइम के लिए अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। फिक्स टेन्योर के बाद रिटायर होने पर पर्सनल्स को नेशनल पेंशन स्कीम से एंटाइटल्ड किया जाएगा और साथ ही फिक्स पीरियड के लिए उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये स्कीम या एंट्री उन कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छी है जो आर्मी लाइफ को कुछ सालों के लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और साथ ही गवर्नमेंट को भी इन एंट्री से आए पर्सनल्स पर उतना स्पेंड नहीं करना पड़ेगा जितना कि उन्हें रेगुलर सोल्जर्स पर करना होता है। पर इन सब के बावजूद कई डिफेंस एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और एस्पिरेंट्स इस एंट्री से खुश नहीं है। एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये एंट्री ऐसी कंट्रीज के लिए सही है जहां पर पॉपुलेशन कम हो या फिर लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में यूथ डेस्पिरेटली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है। रिटायर्ड ऑफिसर्स बताते हैं कि एक सोल्जर को फुली स्किल्ड एंड इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ सालों का टाइम लगता है, तो ऐसे कैसे किसी सोल्जर्स को 3 साल के टाइम पीरियड में ट्रेन करके उनसे ऑप्टिमम आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस हो सकती है जहां पर सिलेक्टेड सोल्जर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग देकर उन्हें कुछ साल के लिए उस ब्रांच में सर्व करने का मौका दिया जा सकता है। वही कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि इस कंसेप्ट को पहले CAPF में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके बाद ही इसे आर्मी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट काफी जल्द इस एंट्री को लेकर डिटेल्स रिलीज करे। वैसे आपकी क्या राय है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।